हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेस फॉर योरसेल्फ। मैं हूं महबूब आलम। ये वीडियो सेकंड वीडियो है एचटीएमएल सीरीज का। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने एचटीएमएल फॉर्म को, मीन जो हम लोग अगले बार एक बेसिक वेब पेज क्रिएट किए थे उस फॉर्म को हम लोग बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ और उस फॉर्म को कलरफुल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से नोट पैड ओपन करना होगा। तो मैं अभी फिलहाल अपना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं बेसिक एचटीएमएल टैग देके जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो ये देखिए, हम लोगों ने एक HTML का बेसिक वेब पेज क्रिएट कर चुके हैं। अब इसे मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे वेब पेज पे, मीन्स मेरे ब्राउज़र पे कैसा कोडिंग आता है। फिर उसके बाद से मैं आपको उसमें इम्प्रूव करना बताऊँगा। तो ये देखिए, हम लोगों के पास इंडेक्स टू बढ़ के एक फाइल आ चुका है। चलिए हम लोग इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, दिस इज माई वेबसाइट पेज, माई नेम इज महबूब आलम। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कोडिंग किया है। दिस इज माई वेबसाइट पेज, माई नेम इज महबूब आलम, ये सब मिल चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि हम लोगों को br टैग लगाना होगा, मीन्स लाइन को ब्रेक करने के लिए br टैग लगाना होगा कुछ इस तरह से। अब इसे मैं सेव करता हूं। ये देखिए, जैसे मैं यहां पर रिफ्रेश करूंगा तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस फॉन्ट को बड़ा कैसे करते हैं। ये बहुत ही छोटा छोटा वर्ड है जिसे पढ़ने में हम लोगों को तकलीफ हो रहा है, तो चलिए इसे बड़ा करना सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से नोट पैड में जाना होगा। नोट पैड ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ हेड के आगे आपको एक ब्रैकेट लेना है, एच लिखना है और वन देके क्लोज, ठीक है। तो इस बात से यहाँ पर भी सेम, जहाँ तक आप तो जो वर्ड लिखे जितना बड़ा आप उसको करना चाहते हैं, उस वर्ड के ख़त्म होने के बाद जो चीज़ आप शुरू किए उसको ख़त्म करना भी पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से ब्रैकेट स्लैश एच वन क्लोज। तो चलिए देखते हैं अब इसे सेव करके हम लोगों का दिस माय वेबसाइट पेज बड़ा हुआ कि नहीं। ये देखिए, हम लोगों का अब ये बड़ा हो चुका है, दिस माय वेबसाइट पेज। ऐसे कर करके यहाँ पर आप वन से लेके एच वन, एच टू, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स, H6 तक आप फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको H2 करके दिखलाता हूँ। ये देखिए, अब थोड़ा ये और छोटा हो गया। अब मैं H3 करता हूँ। ये देखिए, थोड़ा और छोटा हो गया। आप इसी तरह से कर कर के H6 तक आप फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस फॉन्ट को कलरफुल कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को फिर से नोट पैड ओपन करना होगा, और हेड के आगे यहाँ पर हम लोगों को एक ब्रैकेट लेना होगा। ब्रैकेट में लिखना होगा FONT फॉन्ट स्पेस COLOR कलर। ये कलर का स्पेलिंग ऐसा नहीं होता मैं जानता हूँ, लेकिन HTML का रूल है आपको कलर ऐसा ही लिखना होगा। तो फॉन्ट लिख करके
पहले तो आप एक ब्रैकेट लीजिए, फिर उसके बाद से लिखिए एफ ओ एन टी फॉन्ट स्पेस सी ओ एल ओ आर, फिर उसके बाद से इज इक्वल टू, फिर उसके बाद से कुछ इस तरीके का साइन लीजिए, फिर उसके बाद से डबल कॉमा, फिर उसके बाद से फिर एक और ब्रैकेट, और ये कॉमा के अंदर ये देखिए यहाँ पर आपको जो भी आपका कलर चाहिए उस कलर का नाम लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर पिंक लिखता हूँ, पी आई एन के पिंक, और इसे सेव करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने हेड टैग को कलरफुल करने की कोशिश किया, दिस माई वेबसाइट पेज, इसको मैंने कलरफुल करने की कोशिश किया है। तो देखते हैं इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। ये देखिए अभी ये ब्लैक है, मैं इसे अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए ये अब पिंक हो गया। हम लोगों ने तो दिस माई वेबसाइट पेज को कलरफुल करने के लिए टैग दिया था, तो ये माई नेम इज महबूब वाला भी कलरफुल हो गया। देखते हैं हम लोगों ने गलती कहाँ की है। चलिए हम लोगों ने गलती यहाँ पर ये किया है, हम लोगों ने फॉन्ट कलर के टैग को क्लोज नहीं किया है। ये देखिए हम लोगों ने गलती ये किया है कि हम लोगों ने जो कलरफुल टैग लेने के लिए जो कमांड दिया था ब्राउज़र को, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू डबल डॉट पिंक, ये जो हम लोगों ने टैग दिया था इसको हम लोगों ने क्लोज नहीं किया है, इसीलिए माई नेम इज़ महबूब आलम भी कलरफुल हो गया। तो इसके लिए हमको क्लोज करने के लिए फिर से यहाँ पर एक ब्रैकेट लेना होगा, स्लाइस एफ ओ एन टी फॉन्ट एंड इसे ब्रैकेट, अब इसे फिर से आप सेव कर दीजिए। ये चेंज होता है कि नहीं, ये देखिए अब हम लोगों का ये चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने फॉन्ट को कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको अगर अपने बॉडी के फॉन्ट को अगर बड़ा या छोटा करना होगा तो सिंपली आपको वही कमांड देना होगा, अब जाए बॉडी के आगे एक ब्रैकेट लें H2 एंड अगेन ब्रैकेट, और अंत में इसे फिर से क्लोज कर दें कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का बॉडी माय नेम इज महबूब आलम भी बड़ा होता होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस पेज को रिप्लेस करते हैं, ये देखिए माय नेम इज महबूब आलम भी बड़ा हो चुका है। तो कुछ इसी तरह से आप भी अपने फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी के भी कलर को बदलना होगा तो आप सिंपली वही कमांड दीजिए, फॉन्ट लिखिए स्पेस दीजिए, आपको जो मैंने हेड टैग में किया था वही आप सेम टू सेम बॉडी में भी कीजिए, आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, मैं इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे HTML के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।